हाय फ्रेंड्स मैंने आज ट्रेडिंग नहीं की दस बजे के बाद नाइन थर्टी टू टेन ओ तक इतना बेरिश था मार्केट कि सारा मेरा प्रॉफिट आ गया था दस बजे तक उसके बाद देर आर थ्री रीजन्स जिसकी वजह से मुझे पता चल गया था आज साइडवेज होने वाला है मार्केट इसलिए मैंने री एंटर नहीं किया वो थ्री रीजंस मैं आपको बताती हूँ मैंने फीबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ड्रॉ किया है सुबह की फॉल पे और मैंने देखा पॉइंट सेवन एट सिक्स तक जाने में ही इसको थ्री ओ क्लॉक हो गया एंड एज़ पर द रूल वी नो वहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगा ये देखिए उसने डोजी भी बनाई है पॉइंट सेवन एट सिक्स के लाइन पे डोजी मतलब इनडिसिव मार्केट था तीन बजे तक साइडवेज और तीन बजे के बाद डोजी वहाँ से अगर रिवर्सल आता तो ये फॉल बहुत बड़ा था लेकिन वहाँ ब्रेकआउट दिया उसने थ्री ओ क्लॉक और फिर सेवेंटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड क्रॉस भी किया तो रिस्की ट्रेडर्स ने अच्छा खासा उस ब्रेकआउट पे तीन बजे के बाद प्रॉफिट लिया होगा बट मैंने नहीं एंटर किया वापस सुबह नाइन थर्टी से लेकर टेन ओ क्लाक तक मार्केट इतना बेरिश था कि टू हंड्रेड परसेंट तक प्रॉफिट आ गया था पी सी आर पॉइंट सिक्स सिक्स था आई वी परसेंटाइल ट्वेंटी थ्री इसका मतलब जानते हो मार्केट बेरिश डायरेक्शन में ट्वेंटी थ्री परसेंट और मूव करेगा मार्केट ने अपना एक्सट्रीम बेरिश मूव दो कैंडल्स में 15 मिनट्स की दो कैंडल में सुबह 10 बजे तक दे दिया था उसके बाद खास कोई पीसीआर में इम्प्रूवमेंट नहीं आई वो पॉइंट से पॉइंट तक ऊपर गया और उतना हमने बाउंस बैक देखा वो जो वी शेप का है उतना रिट्रेस हुआ करेक्शन आया सुबह जो आई वी परसेंटाइल ट्वेंटी थ्री था वो घटते घटते पंद्रह हुआ और तीन बजे तक तो आठ हो गया इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अभी फिफ्टीन परसेंट ऊपर या फिफ्टीन परसेंट नीचे मूव देने वाला था ये मेरा सिग्नल नंबर वन था कि अब थोड़ी देर के लिए साइडवेज है मार्केट तो अभी री एंटर करके इतना प्रॉफिट नहीं होगा पी सी आर के अलावा मेरा दूसरा हथियार होता है हमेशा ओ आई यहाँ आपको तगड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है सेवनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड पे एक सो सत्रह है और ध्यान से देखिए सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पे सपोर्ट है सिक्सटी थ्री पिक्चर थोड़ी चेंज हुई एक सौ छह हो गया रेजिस्टेंस कम हो गया और सपोर्ट सेवेंटी थ्री हो गया फिर से हाफ एन आवर के बाद देखो तो सपोर्ट और बढ़ गया 87 हो गया और यहाँ का रेजिस्टेंस 103 हो गया जिस तरीके से सपोर्ट बढ़ते जा रहा था और रेजिस्टेंस घटते जा रहा था मुझे ये लगा था कि आज बुलिश होगा मार्केट लेकिन ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो विंडो है वो बहुत छोटी थी इसीलिए मार्केट साइडवेज था लगभग तीन बजे तक तो 17,700 का रेजिस्टेंस पूरा कम होकर 78 सेवेंटी एट लैक्स पे आ गया था लेकिन उस हिसाब से 17,600 का सपोर्ट उतना स्ट्रांगली बढ़ा नहीं सिर्फ रेजिस्टेंस कम हुआ दिस वॉज ऑल्सो द रीज़न कि आज बारिश भी नहीं था बुलिश भी नहीं था इट वॉज साइडवेज़ मार्केट वो विंडो ही छोटी थी सिर्फ हंड्रेड पॉइंट्स की विंडो थी सो आई वी पर्सन टाइल वॉज माई फर्स्ट थिंग ओ आई चेन वॉज माई सेकेंड थिंग एंड थर्ड आरसिनल इज एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो जो मैंने एन एस सी की वेबसाइट पर दस बजे ही देख लिया था ट्वेंटी फोर एडवांसेज ट्वेंटी सिक्स डिक्लाइंस दिस इज़ अ क्लियर पिक्चर ऑफ स्लगिश मार्केट साइडवेज मार्केट सो देखा दोस्तों ये तीनों चीज़ें यूज करके आप एक बुरी ट्रेड लेने से बच सकते आज अच्छी ट्रेड सिर्फ सुबह नाइन थर्टी टू टेन ओ क्लॉक थी और उसके बाद अच्छी ट्रेड थ्री ओ के बाद मिली वो भी बहुत अच्छी नहीं थी थ्री ओ के बाद उसने थर्टी फिफ्टी पॉइंट्स ऊपर जाके वापस नीचे आया तो so, इसीलिए जब ये बेरिश है या बुलिश है तभी आप ट्रेडिंग करो साइडवेज मार्केट को पहचानो और तब अपना प्रीमियम बचाओ पैसा बचाओ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई कीप यू अपडेटिंग कीप लर्निंग कीप अर्निंग